टंकी पर चढ़कर न्याय मांगने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही। एसपी सिटी, जानबूझकर पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इस तरह से टंकी पर चढ़ना गैर कानूनी है। अगर आगे से ऐसा कोई करता है तो होगी कार्यवाही। एसपी सिटी, लगातार दूसरी घटना हुई थाना उत्तर क्षेत्र में, पुलिस हुई सख्त। थाना उत्तर क्षेत्र की पहली घटना श्री राम कॉलोनी व दूसरी घटना सत्यनगर टापा पर हुई है। अनायास इस तरह का कृत्य नहीं होगा बर्दाश्त, ये गैर कानूनी कृत्य है। अगर ऐसा कोई आगे से करता है तो होगी कड़ी कार्यवाही। एसपी सिटी, कांड होती रहती है, लोग आप अपनी समस्या को लेके पानी टंकी पर चढ़ जाते हैं, उसके बाद में सब क्या रहेगा? देखिए, थाना उत्तर क्षेत्र में दो घटनाएं घटी हैं इस तरह की, जिसमें पानी के टंकी पर चढ़ करके पुलिस पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किया गया। एक घटना है दिनांक 5 फरवरी की, दूसरी घटना 7 फरवरी की है। इसमें भी पुलिस की जो विवेचनात्मक कार्रवाई है, जांच की प्रक्रिया है, उसको प्रभावित करने के लिए, सरकारी कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से अनुचित दबाव बनाने के लिए पानी की टंकी पर लोग चढ़े हैं। मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ और सभी से अपील करना चाहता हूँ कि यह कृत्य सीधे सीधे गैर कानूनी है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये स्वीकार नहीं है। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि इस तरह के कृत्य न करें, अन्यथा भविष्य में ऐसे कृत्य करने वालों के विरुद्ध में कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।